जिला प्रशासन के द्वारा शाम होने के पहले दूध सुहागन महिलाओं से पूजा करवाई गई। जिला प्रशासन की ओर से SDM धार रोशनी पाटीदार व रेणु अग्रवाल को कारम नदी के किनारे ले जाया गया। वहां मां नर्मदा व कारम नदी की पूजा करवाई गई। पूजन सामग्री में साड़ी, रोली, कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी व नारियल व रुपये रखकर पूजा करवाई गई। नदी में सुहाग की सामग्री प्रवाहित कर प्रार्थना की गई कि हे मां संकट से तारो, जनहानि व पशुहानि ना हो, डैम को भी नुकसान ना हो। दोनों महिलाओं के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी साथ में मां की पूजा कर प्रार्थना की। पंडित दिनेश शर्मा ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न करवाई। मैं पहुंची थी, डैम से पानी निकाला जाएगा, बहुत बड़ा संकट की एक घड़ी एक तरह से। तो क्या कुछ आपने पूजा पाठ की और क्या देखिए कि हमारी मान्यता है, हम नदियों को माँ कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक विपदा की स्थिति है। हमारी धार में और नीचे जो डाउन स्ट्रीम में जो भी हमारे जिले हैं, वहाँ किसी भी तरह की जनहानि, पशुहानि और किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए, इसीलिए हमने आज प्रार्थना की है और पूजा की है। क्या किस तरह से कौन कौन सी पूजन सामग्री पूजन सामग्री में हमने सुहाग की सामग्री रखी, चुनरी, चूड़ी, सुहाग की पूरी सामग्री रखी और ये प्रे की है माता रानी से। जैसे मैंने बताया नदियाँ हमारी माँ होती है, तो माता रानी से यही प्रार्थना की कि कोई विकराल स्वरूप ना धारण करें और सामान्य स्थिति में सारी चीज़ें हो जाए। बहुत धन्यवाद। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।